Okay guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है शुभम और आ गए हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो. भाई रिएक्शन वीडियो होने वाला है काबा के ऊपर. आसमान में एक और काबा नजर आया. बहन जी कैसे नजर आया और क्या वो वीडियो के माध्यम से हमें समझ आएगा, तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं. और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. हम रोजाना ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है और होपफुली मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आता होगा वीडियो देखने में. चलिए भाई बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला वीडियो देखेंगे. ये वाला वीडियो कल से नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर इस तरह गोल दायरे में बादल आ गए हैं. देखने में ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. और बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाना शुरू किया है, लेकिन वो सारे लोग इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ये पहली मर्तबा हुआ हो. लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पिछली बार भी ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है. खाना काबा के अंदर ऐसा होता ही रहता है क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें और बरकतें वहाँ पर नाजिल होती रहती है, बरसती रहती है. लेकिन प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि काबा के ठीक ऊपर यानी काबा शरीफ के ठीक ऊपर सातवें आसमान में भी एक काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है और वो फरिश्तों का काबा है और वहाँ 70,000 फरिश्ते काबा का तवाफ करते रहते हैं. तो ये बैतुल मामूर क्या है, इस वीडियो में आगे हम उसी के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे जिससे आपका नॉलेज बढ़ जाए. लेकिन सबसे पहले आप ये आसमान वाली वीडियो देखिए जो खाना काबा के ऊपर जो बादल बने हुए हैं गोल तरह में, तो आप इसे सबसे पहले देखिए. तो प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपने देख लिया होगा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. काबा के आसपास बैठे हुए, धूप में बैठे हुए लोगों के ऊपर इस तरह बादल का आ जाना ये अल्लाह की खास रहमत है, उनके लिए खास करम है, इस बात से भी कोई इनकार वाली बात नहीं. लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है ऐसा नहीं है. ये नज़ारा साल में कई मर्तबा देखने को मिलता है. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूरज के गिर्द एक रिंग बनती है और रिंग के नीचे बादल आ गए हैं, इसीलिए ये नज़ारा इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है. हो सकता है किसी के दिमाग में ये सवाल आए कि काबा शरीफ के ऊपर इस तरह का नज़ारा पहली बार नज़र आया, तो जी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इससे पहले भी नज़र आया होगा लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया होगा या किसी ने उसकी वीडियो नहीं बनाई होगी, लेकिन इस मर्तबा वीडियो बना ली है. लेकिन कुछ भी हो ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है, ये कोई मौजज़ा है. तो आज हम काबा शरीफ के बिल्कुल ठीक ऊपर एक और काबा शरीफ है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, तो हम उसी के बारे में आज आपको बताएंगे. सातवें आसमान पर बना एक मुकद्दस घर जिसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है. इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 70,000 फरिश्ते इस घर के गिर्द मुसलसल तवाफ कर रहे हैं. ये घर किसने बनाया है और मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या देखा था, हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुतालिक तमाम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे. दोस्तों आप में से अक्सर लोगों ने बैतुल मामूर का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन बैतुल मामूर की असल हकीकत के बारे में आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे, इसीलिए आज की हमारी ये वीडियो का टॉपिक बैतुल मामूर के ही बारे में होगा कि बैतुल मामूर क्या है, बैतुल मामूर कहाँ है, इसके अलावा बैतुल मामूर और खाना काबा का आपस में क्या रिश्ता है और ये आपस में कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. मेरे दोस्तों ज़मीन पर खाना काबा इंसानों के लिए जैसे किबला का दर्जा रखता है, उसी तरह फरिश्तों का भी काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है. और ये किस जगह है, ये फरिश्ते रोज़ाना क्या करने यहाँ पर आते हैं, ऐसी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप लोग कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखेंगे. तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. दोस्तों ज़मीन पर खाना काबा इंसानों के लिए किबला का दर्जा रखता है, इसी तरह सातवें आसमान पर भी फरिश्तों का काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है. हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के मुताबिक खाना काबा को पहली बार
फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे जमीन पर तामीर किया यानी बनाया। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कस्में खाई है उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है और बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है जिसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है और फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। ये अर्शे इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मेराज शरीफ की लंबी हदीस में ये भी है कि 7वें आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते आते हैं और जो एक बार आते हैं दोबारा लौट कर नहीं आते। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो आसमान में है, काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह जमीन का काबा पाक और मुकद्दस जगह है, इसी तरह वह आसमानों में पाक और पवित्र जगह है यानी मुकद्दस है, और हर रोज उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं या तवाफ करते हैं। लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आएगी क्योंकि फरिश्तों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इमाम अबू बकर अहमद बिन अल हुसैन बैहकी की किताब दलाइल नबुवत में लिखा है कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया और मुरसलीन के साथ उम्मते मरहुमा और पिछली उम्मत की ईमान वालों ने भी नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी और कुछ उन सफ़ों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। उनमें कुछ के कपड़े सफ़ेद थे और कुछ के मैले। सफ़ेद वाले सालेहीन हैं और मैले गुनहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। कुछ उल्मा ने इसमें इख्तलाफ भी किया है कि मेराज की रात तमाम अम्बिया ने बैतुल मुकद्दस में आपकी इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। अल्लामा मोहम्मद बाकिर अल मजलिसी ने किताबुल बहार अनवर में लिखा है कि बैतुल मामूर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया यानी बनाया गया। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है कि इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जब एक बार इससे निकलते हैं तो दोबारा उनके वहाँ जाने की नौबत नहीं आती। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है कयामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती। पहला वो घर खुदा का। सूरह आले इमरान की एक आयत है, इबादतगाह बेशक सबसे पहली इबादतगाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाकई है। उसको खैर बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज बनाया गया था। अब खाना काबा के बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये जगह सऊदी अरब में मौजूद वादिय हिजाज में वाके है। रोजाना हजारों लोग 2400 घंटे खाना काबा का तवाफ करते नजर आते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस जगह को अपना किबला मानते हुए इसकी तरफ मुंह करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा मकाब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ इतिहास में एक बहुत ही खास अहमियत का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के बारे में ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। खाना काबा के बारे में ये बात इतिहास में मौजूद है कि ये कई बार तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती हादसात की वजह से इसको तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेजी जंग को अपने दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई बार खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील यानी विस्तार से सजावट 1996 में हुई थी जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था
और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी सबसे बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज्यादा मजबूत माना जाता है। इसके दो दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से पहले खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है, इसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं। खाना काबा के अलग अलग रंग भी सामने नजर आए। खास तौर पर ये बात कही जाती है कि खाना काबा का रंग काला है। हकीकत में खाना काबा के ऊपर जो चादर चढ़ाई गई है वो काले रंग की है। हम लोगों को खाना काबा हमेशा काले रंग के गिलाफ और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले खाना काबा अलग अलग रंगों के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। खाना काबा की चाबियां एक ही खानदान के हवाले में है। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी। लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये चाबी अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शायबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो उन चाबियों के रिवायती रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निराले अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेगी। ऐ बनी तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तेरे पास रहेगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी बैतुल मामूर के बारे में। मैंने हमेशा कहा है आप लोगों को कि मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा जिससे मतलब एक नॉलेज मिले। तो बैतुल मामूर, राइट, यही नाम है। तो ये एक नई चीज है, ये एक नई चीज है जो रिलीजन समझना चाहता है, जो नई चीजें समझना चाहता है, जो एक अलग पर्सपेक्टिव देखना चाहता है लड़ाई झगड़े के अलावा। तो ये अलग पर्सपेक्टिव है भाई। देखिए, मिरेकल्स होते हैं वो तो हमारे समाज में भी होते हैं, हमारे रिलीजन में भी होते हैं, तो अदर रिलीजन में क्यों नहीं होंगे भाई। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि होते हैं। अगर आप भी मानते हो और कोई मिरेकल वाली वीडियो आप अगर मुझे दिखाना चाहते हो भाई, मैं उसके लिए रेडी हूँ। आप मुझे भेज सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर अपना रिएक्शन दूंगा। अगर रिएक्शन नहीं भी देता हूँ तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा कि मेरा उस पर पर्सपेक्टिव क्या है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नई वीडियो के साथ में बहुत जल्दी मिलेंगे जी, बहुत जल्दी। मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट है हर शूट करने का, और अब तो मेरे पास पूरा एक्सेसरीज वगैरह सब है, तो बस प्लग इन करो और बस शूट होने दो। तो चलिए भाई, अपना ध्यान रखिएगा।